वेलकम बैक गाइज टू माई चैनल गौरव एंशर्स ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज आज हम घर में बैठे बैठे मैं तो खैर बोर हो रहा था मैंने प्लान किया कि यहाँ से नियर बाय एक जगह है विच इज़ कॉल्ड लाखा मंडल। अभी हमारा सडनली प्लान बना है वहाँ घूमने का। अभी हमने लंच वंच यहाँ पे कर लिया है बस हम यहाँ से निकलते हैं लाखा मंडल के लिए। रास्ते में हमें हमारे कुछ फ्रेंड्स लोग मिलेंगे तो उनको भी वहाँ से पिक करेंगे, उसके बाद चलते हैं। ओके सो हम निकलते हैं यहाँ से। चलो गाइस आगे की चीज़ें हम आपको आगे दिखाएंगे। बाय बाय। सो गाइस चलते हैं हम यहाँ से और अब निकलते हैं हम लाखा मंडल के लिए। रास्ते से हम अपने फ्रेंड्स को ले रहे हैं और उसके बाद वहाँ से निकल रहे हैं। तब तक मिलते हैं आपसे। बाय बाय। ये देख सकते हैं गाइस, अब ऊपर से बहुत ही बड़ा पत्थर है, ऊपर से लुढ़कते लुढ़कते यहाँ पे आ गया। ये देखिए गाइज आज हमने सोचा कि हम लाखा मंडल चलते हैं। काफ़ी सुना था इस टेंपल के बारे में कि लाखा मंडल का जो टेंपल है भगवान शिव के उससे बहुत ही फेमस है। यहाँ के देवता जो मेन है वो भगवान शिव जी हैं। काफ़ी सारे बहुत सारे शिवलिंग कहते हैं कि 1.25 लाख शिवलिंग्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे पहले के टाइम से। वहाँ बताते हैं कि क्या बोलते हैं, कई बार वहाँ पे खोदने पे वहाँ पे शिवलिंग्स निकलते हैं। यहाँ पे जो शिवलिंग्स निकलते हैं वो ग्रेफाइट से बने होते हैं, जो कि अगर आप उसमें पानी डालेंगे तो वो एकदम शाइन करता है। तो यू कैन सी योर इमेज ऑल्सो ऑन दैट। सो इस चीज़ के लिए बड़ा पॉपुलर है लाखा मंडल, बहुत ही ओल्ड टाइम से यहाँ पे। यहाँ जो मंदिर है अंदर भगवान शिव का, वहाँ पर आपको प्राचीन मूर्तियाँ मिलेगी। ऐसा बताते हैं कि वो सब मूर्तियाँ हाथ से बनावटी नहीं है, सब कुछ प्राचीन है, बहुत पहले से ही है। एंड भगवान शिव का वो जो टेंपल है जहाँ पे अभी हम आपको दिखाएंगे, तो एक गौ माता आती थी, उन गौ माता ने वहाँ पे उस टेंपल को बनाया था। तो बाकी की चीज़ें आप आगे देखिए। We'll be right back.
यहाँ पे थोड़ा सा रुक गए बिकॉज़ वो आ गए। अभी हम वेट कर रहे हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ में आ रहे हैं तो काफी पीछे छूट गए, उनका वेट कर रहे हैं थोड़ी देर, फिर से निकलते हैं। आ गए हो? उतरो। हमारे फ्रेंड आ रहे गाइस, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, हमारे फ्रेंड्स लोग पहुँच गए, अब निकलते हैं नाका मंदिर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे ये वाला टर्न आता है, तो यहाँ से हमको मोड़ लिए बाइक और ये रोड चलेगी लाखा मंडल। सो गाइस, यहाँ पे आने के लिए आप चक्राता रोड से 100 किलोमीटर्स के आसपास पड़ता है लाखा मंडल, वहाँ से आप टैक्सी वगैरह कर सकते हैं। जो यहाँ पे आने का नीरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए नीरेस्ट रेलवे स्टेशन है देहरादून, देहरादून से आप टैक्सी वगैरह करके लाखा मंडल आ सकते हैं। सो हमारी महाभारत में बताया जाता है कि लाखा मंडल यही वही सेम जगह है जहाँ पे दुर्योधन ने कोशिश की थी पांडवों को मारने के लिए। सो गाइस, पांडव के बाद भी देव कृपा से इस लक्ष्यगृह से बाहर निकले थे, और जहाँ से पांडव बाहर निकले थे वह चित्रेश्वर नाम की वह एक गुफा है, वहाँ से वो शिव मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लाखा मंडल गाँव के निचले हिस्से में, अभी आपको दिखाएंगे। सो वहाँ से वो लोग बाहर निकले थे। सो गाइस, महाभारत के बाद जब पांडव यहाँ आए थे युद्ध के बाद, तो उन्होंने इस मंदिर का यहाँ पे निर्माण किया और यहाँ पर 1,00,000 शिवलिंगों की स्थापना की। कहते हैं कि लाखा का मतलब है लाख और मंडल का मतलब है लिंग, यानी 1,00,000 शिवलिंग, 1,00,000 शिवलिंग की स्थापित की उन्होंने, और यही एक रीज़न है कि इस जगह का नाम लाखा मंडल पड़ा। सो ये वो प्राचीन पांडव की गुफा है गाइस। जय हनुमान। एक सेकेंड। जय श्री राम।
गुस्सा कर रहे हैं सो गाइस, माना जाता है कि अगर आप यहाँ पे आके पूजा करते हैं तो इंसान के समस्त पापों का निवारण हो जाता है यहाँ पे। सो आप लोग आइए, यहाँ दर्शन कीजिए, पूजा कीजिए और अपने पापों का निवारण कीजिए। धन्यवाद। वहाँ से पानी वहाँ से यहाँ निकले थे क्या हुआ रास्ता नहीं है तो रास्ता कहाँ रास्ता तो है आगे जाके तो बहुत कम दिखा नीचे होगा नीचे नीचे नहीं ऊपर से होगा थोड़ा उन बाबा से पूछना था ना पूछ लेंगे भी है तो बाबा वहाँ उसके अंदर जा सकते हैं तो यार फंस जाएंगे वहाँ तो जा तो सकते पूछना बाबा से कि वहाँ अंदर तो मुझे लगता नहीं है कि जाना है पूछ ये भी है यहाँ से देखो यहाँ फिश में चार्ट देखा ये देख सकते हैं हम गाइस गाइस फाइनली आज हम इस वाली गुफा में आ गए। ये गुफा है बट ये वाली जो सुरंग है बहुत ही ज्यादा छोटी है तो फिर वी कांट टेक रिस्क टू गो देयर को लेके आए। ये देख सकते हैं आप, ये देखो तो ये वाला तो अलग है, ये अलग है, ये लक्ष्य करे तो वहां है ना, पर लक्ष्य करे नहीं है ये, पर वो इसको हटाओ। तो गाइस हम अभी यहाँ पे हमने थोड़ा सा वीडियो शूट करा बट काफ़ी हद तक हम वीडियो शूट नहीं कर पाए बिकॉज जो अंदर बाबा जी बैठे थे वो थोड़ा सा नाराज़ हो रहे थे। तो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये प्राचीन गुफा में हमने यहाँ पे देख ली है, अब हम आगे लाखा मंदिर के लिए ऐसे निकल रहे मंदिर के पास यहीं से बस लगा दो। हम यहाँ पे मंदिर पहुँच गए, ये मंदिर का यहाँ पे गेट है और अभी देखते हैं कि आगे मंदिर कैसा है क्या है, तो चलिए आइए देखते हैं। बाहर से बाहर सर नहीं नहीं सर चलान
दर्शन कर लो बेटा। ये सारी मूर्ति पर प्राचीन है, प्राचीन है। चंतन कर लो आप लोग, टीका कर लो, टीका लगा बेटा। यहाँ बहुत सारे शिवलिंग है। सो गाइस, हमने अभी यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं भगवान जी के। प्राचीन मूर्तियाँ हमने देख ली हैं, उनका फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था तो फिर हमने उनको कैप्चर नहीं कर पाए। और हमारे पुजारियों की तरफ से आप लोगों को नमस्कार। इस मंदिर की खोज गायनी की है। गाय माता एक जमुना नदी पार से एक महाराजा की आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती, तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतयुग का है, जिसकी खोज गायनी की है। ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये त्रेतायुग का है, राम जी के टेम्पल। रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के ले गई और श्रीलंका पहुँचाई है। रामचंद्र जी माता जी के खोज में गए और सोयत बंदरानी सुर में उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना समुद्र के बीच में की है। यह शिवलिंग या तो सोयत बंदरानी सुर में समुद्र के बीच में मिलेगा, जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए पुल बांधा था, या तो लाखामंडल के प्रांगण में, ये पूरे भारत देश में और जगह ये शिवलिंग नहीं मिलेगा। ये हरे रंग का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 125,000 शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है, 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं और आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है, उस मेले का नाम है थौड़ा। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा, उसके बाद फिर पूरे देश में मेले होंगे और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और जिस बेटे की शादी हो जाती है, बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पे एक रात में किसी ने महाशिवरात्रि के दिन तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उसका बेटा होता है। ये शक्ति आज भी है यहाँ, और 60-70 साल माँ का बेटा होता है। आप तो देवियाँ छोटी हैं है जी, पर 70 साल माँ का, 60 साल माँ का बेटा हुआ, ये आज भी प्रमाणित है यहाँ की, ये महत्व तो आज भी है। अब आप लोग आगे चलेंगे। इस मंदिर के ऊपर से लेकर के और नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, जिस गाय ने शिवलिंग के अंदर दूध चढ़ाया है, उस गाय के पैर के निशान खोर कहते हैं हम लोग। गाय माता के खोर के निशान ये हर पत्थर पे मिलेंगे मंदिर के चारों तरफ, ऊपर से लेकर के और नीचे तक। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और भीम सेन के हथेली के बनाया गया। ये माता, ये भैंसा जो है, ये भैंसा राक्षस है, इसने भैंस का रूप धारण किया और भगवान को, शंकर भगवान को खाने जा रहा था।
माता जी समझ गई कि मेरे पति को भक्षण करेगा, उसने उसको उल्टा कर दिया है, तो इसको मैं ससुर मर्दनी माँ कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे खड़े होगी बेटी इस जगह पे, फिर आप दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाका महल बनाया लक्ष्य ग्रह, वो ये जगह है। यहाँ पे चारों तरफ लाल ईंट है, चारों तरफ। इस सीट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा, महल जल गया। यहाँ से अंदर ग्राउंड सुरंग है, उस सरकार ने बंद कर दी, अंग्रेजों के शासन पे बंद हो गया था। आते समय आपको नीचे सड़क पे एक गुफा मिली है, वो है पांडवों की दुंद गुफा। दुंद गुफा जिसको हम लोकल भाषा में दुंद ओडारी कहते हैं। यहाँ से विदुर ने सुरंग बनाई और उस गुफा से पांडव लोगों को बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, गुफा के अंदर अंदर जाके आप लोग सुरंग में जाना। सुरंग में जाके आपको आगे इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, वो पर शेष नाग का आकार होगा। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडव लोगों ने नौकरी करी है। उसके बगल में फिर दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती हरियाणा में, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेने गए। अब आप लोग आगे बढ़ेंगे, खड़े होना बेटा साइड में। अब मैं दोनों दीदी को पूछूंगा, मेरे सवाल का उत्तर दोनों दीदियां देंगी। आप लोग बीच में नहीं बोलो, आप ही बोलने लिखे, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, सब लोग इधर आओ। पिताजी, आपके पिताजी, तीनों देवियों के पिताजी, नए नए दीदियां हैं आप लोग, बहन को नहीं बोलूँगा और कोई बीच में उतरने नहीं है, तीनों देवी से बोलेंगे आप लोग, उत्तर सवाल का उत्तर आप देंगे। आपके पिताजी राजा दक्ष है, आप राजा दक्ष की बेटियाँ, राजा दक्ष हैं। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, कथा करी है, और उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को सबको अपने यज्ञ में बुलाया और अपने बेटी और जवाई को नहीं बुलाया। तो उनकी बेटी जवाई कौन थी? सती और शिव थे। धन्यवाद बेटी। सती माँ ने कहा अपने पति के लिए, आपके पति हैं, आपने अपने पति को कहा कि पतिदेव मेरे मायके में और आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। तो भगवान ने, आपके पति ने आपको जवाब दिया कि हे देवी, हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आज पति और पत्नी का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो ये परंपरा से चलती आया है। तो मुझे लग रहा कि आप झगड़ा भी नहीं करेंगे तभी आपके पति आपसे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। आप चाहते हैं कि मैं झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ, तो आपका मन चाहता कि मैं झगड़ा क्यों नहीं करूँ। ये परंपरा से चल के आया है बेटा। ये शराब किसने दिया है? भोली बाबा ने अपनी देवी की। क्या उसने अपना पति का अपमान किया? उसने अपने पति की बात नहीं मानी। आज भी आपके मायके में कोई त्यौहार होता है, आपके ससुर जी, सासू जी, आपके पति रोकेंगे आपको कि आप मत जाओ। तो आज भी देवी जो 80 साल की बूढ़ी है, 70 साल की जैसी हमारी बहन की है, इनके मायके में कोई त्यौहार होता है ये किसी की बात नहीं मानेगी। इसका जब मन उड़ जाता है स्त्री का, वो रुकती नहीं है, वो अपने मायका चली जाती है बिना पूछे ही, हैं जी। तो सती माँ अपने मायका गई और वहाँ जाके सभा के बीच में उसने अपने पिताजी को नमस्कार किया और दक्ष राजा ने अपनी बेटी का नमस्कार स्वीकार नहीं किया। उसको फिर अपने पति की याद आई कि मेरे पति ने सत्य वचन बोला था, वहाँ जाएंगे तो अपमान होगा। उसको क्रोध आया। किसको क्रोध आया? सती माँ को। सती माँ को क्रोध आया। वहाँ पे हवन हो रहा था। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जो है सब लोग करते हैं ना, हम लोग हैं जी। तो वहाँ पे जब हवन हो रहा था तो 33 करोड़ देवी देवता वहाँ पे हवन में आए हैं, और भोजन के लिए जो हवन होता है वो भोजन होता है देवताओं का। हवन कुंड में कूद पड़ी और भस्म
शंकर भगवान को पता लगा कि मेरी धर्म पत्नी भस्म हो चुकी है, उसको भी क्रोध आया। उसने अपने सिर से जटा उखाड़ी, पृथ्वी पे पटका और वीर और भद्र भगवान कहा, सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, और तुम्हारा देवी सतयुग में है रूप है, सतयुग में आपका रूप है सती माँ का। फिर तीर्थायुग आया राम जी का अवतार, तीर्थायुग में इनका रूप है जय और विजय और आपका रूप है दुर्गा माँ का। फिर द्वापर आया कृष्ण जी का अवतार, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल और आपका रूप है पार्वती माँ का। अब ये कौन सा युग है? कलयुग में ये भगवान है भोले बाबा, इसका हीरे मोती का मुकुट है, और ये राक्षस है जिसको हम भूत कहते हैं, इसके खोपड़ी पे मुंडी है, ये मस्तान का निशान है। आपका रूप है गौरा माँ का, तो चार रूप आपके भी हैं और चार रूप इनके भी हैं। और ये शिवलिंग, ये धर्मराज दृष्टर महाराज ने ये शिवलिंग की स्थापना करी है। ये शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से, मंडलेश्वर महादेव। ये चारों तरफ चार मठ है, इनके ऊपर शिवलिंग की वो स्टोर में रहते हैं। ये पांचों भाई पांडव लोग हैं, भीम अर्जुन सहदेव माते। ये चारों भाई बड़े भाई की रक्षा कर रहे हैं कि हमारे बड़े भाई के कार्य में से बाधा ना पड़े। उनकी यहाँ पे पंच सभा बैठती थी पांडवों की पंच सभा। तो ये मंडलेश्वर महादेव के नाम से है ये शिवलिंग। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं, और 24 गांव के बगल में अटकाव द्वार बिसलार तपलार कई खतें पड़ती है, कई पटियां पड़ती है। वहां पे बड़े बड़े दिग्गज लोग मरते थे बाहर के पटियों में, और हमारे 24 गांव के बीच में जिसकी मृत्यु होती थी वो लेडीज है या पुरुष है, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे, और पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके जाते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा और मरा हुआ आदमी ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दो दबाव चलाता। ये शक्ति थी बेटी। और आप लोग यहाँ नमः शिवाय, ऐसा मैदान पहले इनके ऊपर था, ये सारे मंदिर अंदर ग्राउंड थे। ये 2007 के खुदाई में निकले, ये सारे अभी 12-13 साल में मंदिर प्राचीन है, पहले से बनेंगे प्राचीन, ये खुदाई में निकला। यहाँ पे भी खुदाई करेंगे तो यहाँ पे भी निकलेंगे। ये बड़े मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे को किया है, भीमसेन के हथेली पे बनाया गया है, विश्वकर्मा ने निर्माण किया। ये भीमसेन की हथेली है, ये पत्थर से पाँच उंगुली है, भीमसेन की हथेली है, ये पाँच उंगुली है। जब आपके जब दुर्गपता माता जी का विवाह हुआ, विवाह पांच भाइयों के साथ हुआ था, तो ये दुर्गपता माँ के पकौड़े हैं, ये गोल गोल दिखते हैं। पकौड़े आप लोग आगे बढ़ो। आप लोग लंबे सफर से चलते हैं बेटा, और आजकल जो है बेटी और बेटा बिना गाड़ी से नहीं चलते, तो यहाँ पे इसको चौराहे कहते हैं, शहर में चौराहे कहते हैं, पहाड़ों में इसको चुबट्टा कहते हैं। यहाँ पे चार रास्ते हैं। ये है रास्ते की काली माता, माता जी को नमन करो, ये रास्ते की काली माँ हमारी यात्रा सफल करो। इस माँ के दर्शन करने से
आप लोगों की यात्रा सफल होती है। क्या इससे लाभ मिलता है? ये माता है हमारे भारत में और हमारे देश में कौन सी बीमारी है और अमेरिका से। हमने इस माँ की पूजा करी है प्रत्येक साल मार्च में और इस साल भी करी है। हमारे पूरे इस क्षेत्र में अभी तक कोई कोरोना का मरीज नहीं मिला। आप लोग यहाँ आए हैं, माता जी को नमन करो। जय है जय काली माता, खप्पर वाली माता, शीतला वाली माता, हमारे शरीर की, हमारे परिवार की, बच्चों की, माता पिता भाई बहनों की रक्षा करना और हमें बीमारी से माता जी बचाना। तो इस माँ की महान कृपा है बेटा। आप लोग अब आप लोग ऊपर चलो और भगवान से जल करो। ये शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव। इस भगवान के दर्शन करने से आपकी सारी चिंता दूर होती है। ये शिवलिंग है पारदर्श शिवलिंग। पारदर्श शिवलिंग का क्या मतलब है? जैसे आप लोग आपस में तुम्हारा प्यार है, बच्चों से प्यार करते हैं, परिवार से प्यार करते हैं और पति और पत्नी आपस में उनका बहुत बड़ा प्यार है, जैसा भोले बाबा का और पार्वती माँ का प्यार है। ये पार्वती माँ का रूप है और ये शंकर भगवान स्वयं है। ये स्वयं है शंकर भगवान जी, इनका आपस में मिलाप है जैसा आप लोगों का मिलाप है। तो आपका प्यार जो है अपने अंदर समा लेता भगवान जी, जिसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिख रहा है ना, ये आप लोगों का प्यार अपने अंदर समा लिया भगवान जी। ये शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग है बेटी। इसके आठ कोने हैं चारों तरफ शिवलिंग के। राजा सगर के राजा सगर के 60,000 बेटे थे, राजा सगर के 60,000 बेटे थे और कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया और शिव की तपस्या करी और गंगा जी को मृत लोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। इस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के सात जन्म जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है। इस भोले बाबा की इतनी महान कृपा है और ये भगवान यहीं पे प्रकट हुआ है, सपने में आया और सपने में यहीं पे निकला। ऐसे ऐसे शिवलिंग का पूरा चक्कर नहीं लगाते बाबू अभी। ये माता का मंदिर जय हो बम बम बोले। वो पानी कैसे पियेंगे? अब आप कहाँ जा रहे हो? अब हम जा रहे हैं वापस बैठो। So
थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो को एंजॉय करा और हमने जो भी मेहनत करी आप तक हमने पहुंचाई, लोगों को लाखा मंदिर के दर्शन कराने में, खुद भी मैंने दर्शन करे आज पहली बार, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट अस एंड मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और इस चैनल पर लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अभी हम यहाँ पर रुके हैं, काफ़ी भूख लग गई है तो सोचा कि यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा दिखा हमें रास्ते में आते हुए, तो देखते हैं फिर यहाँ पे क्या मिलता है, कुछ लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आइए देखते हैं क्या मिलता है। कैसे देखिए कितना प्यारा घर है, शायद काफ़ी अंधेरा हो गया तो आप लोगों को दिख ही रहा हो। सो गाइस ये हमारी मैगी आ गई है, अब थोड़ा सा मैगी खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं। मैगी तो बहुत ही टेस्टी हो रही है।